रंजन सरवरिया आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। होटल में नाबालिग से बलात्कार, पुलिस में मामला दर्ज, आरोपी फरार। रोजगार दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। स्कूल से घर पानी लेने जा रहे छात्र को ट्रक ने मारी टक्कर, स्थिति गंभीर। ट्रेन की टक्कर से वृद्ध की मौत। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं दमोदिहा थाने की, जहां पर एक बलात्कार का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक नाबालिग को एक युवक जबरन बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, मैहर ले गया, जहां पर एक होटल में इसके साथ बलात्कार किया। नाबालिग के द्वारा जीआरपी और चाइल्ड हेल्पलाइन से भी मदद मांगी गई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसे दमो पहुंचा दिया गया। परिवार के लोग दमोदिहा थाना लेकर पहुंचे, जहां उसके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। युवक जबलपुर का रहने वाला है। क्या पूरा मामला है आइए जानते हैं। हम लोग देवी जी के दर्शन करने गए थे और फिर वहीं होटल में रुके थे। हम मेरे साथ गया था। कहां ले गया था? नहीं। क्या पूरा मामला है? कौन पहुंचा था आपके पास? क्या हुआ? दमो ग्रामीण क्षेत्र की कुछ महिलाएं हमारे पास आई थी। उनने बताया कि उनकी बच्ची के साथ जबलपुर के किसी लड़के ने गलत कार्य किया है, रेप किया है। तो मैंने जब उनसे पूरी जानकारी ली तो उनने बताया कि उसकी लड़की को जबलपुर का एक लड़का भगा के ले गया था, बहला फुसला कर, और यहाँ से मैहर ले जाके उसके साथ होटल में रेप किया। और रेप करने के बाद उसको ले कर भगा के कहीं और ले जा रहा था। तो सतना डीआरपी ने उसको, बच्ची रो रही थी चूंकि, और उसने मदद मांगी, तो वहाँ की डीआरपी पुलिस ने उसकी मदद करते हुए उस बच्चे को, बच्ची को पकड़ा वहाँ पे और उस लड़के को गिरफ्तार किया। जब चूंकि नाबालिग थी बच्ची, तो चाइल्ड हेल्पलाइन के सपोर्ट किया गया। उस बच्ची ने सब कुछ बताया भी कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और वह नाबालिग है, 14-15 वर्ष की उम्र है उसकी। फिर भी वहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। इनके माँ बाप को बुलाकर उस बच्ची को सुपुर्द कर दिया गया, उस लड़के को छोड़ दिया गया बगैर कोई कार्रवाई के। अब बच्ची जब यहाँ आई और वो यहाँ पर भी आए तो अभी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इतना गंभीर और बच्ची के साथ इतना जघन्य कृत्य हुआ है। तो मैं तुरंत उनको लेके आया, मैंने मीडिया को अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में एक बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य कृत्य हुआ है। क्या चाहते हैं? एफआईआर हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें समाज में मैसेज जाए कि इस तरीके के कृत्य स्वीकार नहीं होंगे समाज में, और उसको कड़ी सजा हो, जिससे अच्छा एक मैसेज जाए समाज में। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़। रोजगार दिवस का आयोजन दमोह के मानस भवन में किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। सब प्रदेश में एक साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे संबोधित किया, तो वहीं दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा भी संबोधन दिया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर एस के चैतन्य के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में हमने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से चर्चा की। पीएम स्वनिधि के सारे एम्प्लॉई एचडीएफसी बैंक से श्री राम से उपलब्ध कराकर मध्य प्रदेश शासन की हम आर्थिक रूप से सशक्त बने, अपने पूरा डेटा लेकर रख लिया है। तो बार बार वही चीजें उससे नहीं मांगी जाती है, ये बात बार बार जानने की है। और हम लोगों ने अपने विभागों में मंत्रालय में दिन रात एक ही कोशिश करते हैं, किसी की शिकायत आती है कि ताकि अगर स्वागत कर रहे हैं उसी दिन कहते हैं इसका मिला खत्म कर सकते। अब हम चीजों को स्मूथ करें ताकि लोगों को सुविधा के साथ अपने पुरस्कार की दम पर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मैं आपको जल्द शुभकामनाएं देता हूँ। एक अच्छी टीम प्रशासन की है, उससे मदद लेकर काम करकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कारण लगातार यही रहा है कि आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबन की ओर बढ़ता हुआ भारत, यही भारत की ताकत है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो समूह की ताकत है देश के भीतर, वह खुद भी रोजगार प्राप्त करती है और दूसरे को रोजगार देती है।
आज ऐसे कई उदाहरण आपको मिले। मैंने एक बहन से पूछा, उसने कहा कि हम 12 समूहों को काम देते हैं और उसको 15 लाख रुपए लोन के रूप में मिले। अब कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ये हो सकता है, लेकिन ये बड़ी ताकत है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 2 लाख लघु उद्यमी शब्द हमने उपयोग किया है, उसको व्यक्ति हो, समूह हो, सोसाइटी हो, एफपीओ हो या छोटा मोटा उद्योगपति हो, 5 साल में 10,000 करोड़ रुपया बांटकर इनको अपग्रेड करना। तकनीक नहीं है तो तकनीक देना। 10 समूह मिलकर काम कर सकते हैं क्या? पापड़ बनाते हैं 10 समूह बनाते हैं, लेकिन एक से मटेरियल के साथ 10 समूह बनाने लगे तो वो ब्रांड भी बनेगा और अपना मार्केट का अपना लक्ष्य भी प्राप्त करेगा। तो ये जो रोजगार दिवस का आयोजन है, अच्छी बात, इसमें नए बच्चों की भागीदारी, और जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां प्रशासन की भी नज़र में है। और मैं जिला प्रशासन को बधाई इस बात के लिए दूंगा कि पिछले वर्ष उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। दूसरा, जो रिकवरी है वो 100% है, जिन्होंने लोन लिया ये वो बधाई के पात्र है, उससे बड़ी सफलता हमारी है। इस बार उद्यम क्रांति के तहत 1800 लोगों का लक्ष्य प्राप्त है। इसका मतलब है कि एक ब्लॉक में हम 50 से 100 चुनिंदा अच्छे योग्य नौजवानों को लोन दिला सकते हैं, जिनके मन में कुछ करने की इच्छा हो। मुझे लगता है ये रोजगार दिवस इस उपलक्ष्य में निश्चित रूप से अपने मुकाम छुएगा, वो खुद का भी भला करेंगे और जिले का नाम रोशन करेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। दमोनार के बगिया मोहल्ले में लोगों के घरों के सामने माहौल से भरी हुई एक बॉटल टंगी हुई है। दरअसल बताया जा रहा कि लगातार कुत्ते इस क्षेत्र में गंदगी करते हैं। अगर एक बॉटल में माहौल का रंग घर के बाहर टांग दिया जाए तो कुत्ते गंदगी नहीं करते, ऐसा बताया जा रहा है। जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों के घरों के बाहर ये बॉटल टंगी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बुलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 12 से अधिक लोग घायल हो गए। मड़ियादो थाना क्षेत्र के कलगुआ की लाल पानी घाटी पर देर रात श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो पलट गई, 12 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। 108 की मदद से सिविल अस्पताल इन्हें हटा रेफर किया गया था। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। बलेरो क्रमांक MP36T1132 से गैसाबाद थाना क्षेत्र के मोहन्ना गांव के पास अमावस्या पर्व पर स्नान के लिए प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जटाशंकर धाम जा रहे यात्री इस घटना का शिकार हुए। घायलों में अमृत पटेल, नीलेश पटेल, अर्चना पटेल, अभिलाषा पटेल, सुभानी पटेल, हल्की बहू सियानी बाई, राघवन सिंह, महन सिंह राजपूत, करिश्मा सिंह शामिल हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, दबाव। दमोह देहात थाना अंतर्गत इमलाई गांव से एक मामला सामने आया जहां एक छात्र स्कूल से घर पानी लेने के लिए जा रहा था कि बीच रास्ते में ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें 12 वर्षीय छात्र घायल हो गया है। छात्र का नाम चंदन उर्फ उमेर से बताया जाता है कि यह घर पर पानी लेने के लिए साइकिल से जा रहा था कि बीच रास्ते में ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर चोट आने पर जिलास्पाल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। काफ़ी बड़ी बात है, स्कूल में क्या पानी की व्यवस्था नहीं थी? अगर व्यवस्था थी तो क्या साफ पानी की व्यवस्था नहीं थी? और अगर स्कूल में पानी की व्यवस्था थी तो छात्र घर पानी लेने के लिए क्यों जा रहा था? किसकी अनुमति से जा रहा था? संपूर्ण मामले में कार्रवाई की जरूरत है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया। खिरिया बिछिया से मामला सामने आया जहां पर एक मजदूर से जबरन मजदूरी कराई गई। पेड़ में करंट था, बावजूद इसके मजदूर से पेड़ को कटवाया गया, जिसके बाद मजदूर को करंट लग गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
परिजनों के द्वारा जगत सिंह नाम के व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? लोकल। क्या हो गया है? मेरे पिताजी को करंट लगाया। कैसे लग गया करंट? करंट मतलब हमारे पापा घर पे थे, वो जगत सिंह मेरे मतलब मोहनदास आदमी लोहा गया है घर है, ज़बरदस्ती लोग घर है लोहा पेड़ काटने के लिए लोहा गए, और ये झूठ बोला कि मतलब पूछा करंट में मतलब तार में लाइट तो नहीं है, मैंने झूठ बोला कि लाइट नहीं है, मैं जान बूझ के पेड़ कटवाया लाइट था, तो पेड़ काटने के बाद लाइट करंट तार पर गिरा करंट लगा, तो सब लोग मतलब इनने कुछ नहीं किया है, मतलब करंट लगने के बाद ताना नहीं है, मतलब बचाया नहीं है, जानबूझ के उधर ही डला रहने दिया है, और एक घंटे तक उधर पेड़ के नीचे दबा किसी ने नहीं निकाला इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने ज़बरदस्ती मतलब ऐसे जानबूझ के किया है साथ। अच्छा, किसने किया है? जगत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी चिड़िया बछिया थे, बछिया चिड़िया, हम भी बछिया चिड़िया थे। क्या नाम है आपके पिता का? पिता का नाम है ध्रुव सिंह। पूरा ध्रुव सिंह जी। क्या चाहते हैं आप? हम इनको फंसाएंगे। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दबाव। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत असली किन्नर और नकली किन्नर में विवाद हुआ है, जिसके बाद ये विवाद थाने तक जा पहुंचा। हालांकि पुलिस इसमें कुछ विशेष योगदान नहीं कर पाई, क्योंकि नकली किन्नर कौन है, असली किन्नर कौन है, ये फर्क करना काफी बड़ी बात होती। दोनों के मध्य विवाद भी हो रहा था, पुलिस के द्वारा दोनों को समझाइश दी गई। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मेरा नाम पिंकी है, मैं हटा क्षेत्र में हूँ, का मोबी मेरा है। ये दो कुछ दिनों से दो किन्नर लोग, जो लड़के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, किन्नर बन रहे हैं, बल्कि ये लोग किन्नर है नहीं, एक के हैं जो लोग फालतू में मांगते हैं, हम लोग तो पूरे गांव मांगते हैं और लड़की बन के मांगते हैं। अभी आप लोग कोतवाली गए थे, क्या कह गए थे, क्यों गए थे कोतवाली? गए थे हम किन्नरों की सुनवाई नहीं होगी, बाजार में मांगेंगे फिरेंगे, क्या करा जाए? हमारे अटा क्षेत्र में देखो कोतवाली के अंदर क्या सुनवाई होती है, दबो में ये सुनवाई नहीं करी, कंप्लेन तक भी लिखी, और हम लोग चढ़ रहे और चिल्ला रहे जी, हमारे यहाँ पेट काट रहे हैं, के नरों के हम लोग का पेट काट रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप। अर्षद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज, दबाव। तमो देहात थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां दो भाई शराब पीकर लड़ रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति के द्वारा बीच बचाव किया गया, तो उसके ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्यों मारा? बीज बेचारा करने गए थे। किसका? बाजू में लड़ाई हो रही थी। बाजू में लड़ाई हो रही थी उन्होंने कहा। हाँ, तो उन्होंने हमको मार दिया। कौन कौन थे वो? राजू, मुकेश, मैं नाम नहीं पता। कहाँ रहते हो आप? बाजू में। किस गांव में रहते हो? चिल्लाई गांव। घटना कहाँ की है? चिल्लाई गांव। आपका पूरा नाम क्या है? और जो आपके साथ में थी वो भी घायल है का? हाँ, वो भैया है, उनको क्या नाम है उसका? भैया। किस बात को लेकर विवाद हुआ? क्या हो गया? इलाज हो गया। किसकी? वो दोनों भाई लड़ रहे थे, हम लोग हल्ला मिला, हम गए रोड में खड़े हुए और ये गए, तुमने लाठी मार दी। कहाँ की घटना है? चिल्लाई गाँव में। कोई पुराना व्यापार है?
नहीं कोई नहीं। आज क्यों हमला हुआ है? वो दोनों भाई लड़ रहे थे दारू पी के, ये गए हमारे चाची के लड़के, तो ये इनसे मना किया हमने, तो मना करते हुए इनको एक डंडा मार दिया सिर में। हम उठे तो हम देख रहे थे हम पहुँचे, हमने क्यों लगा एक डंडा हमारे लिए ही मार दिया। कहाँ की घटना है? तिल्लाई गाँव की। आपका क्या नाम है? अरुण ठाकुर। उनका? उनका अंकित ठाकुर। विवाद के पता नहीं कह पे होगी? कोई बुराई नहीं है मोहल्ले की। कौन लोग हैं जिसने मारा? आदिवासी है। आदिवासी। क्या नाम है उनकी? एक का राजू, एक का मुक्की। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। दो बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिसमें एक बाइक सवार को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तेज रफ्तार बाइक सवार ने दूसरी बाइक में ये टक्कर मारी है, घायलों का उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? उनका? कौन है वो आपके? हमारे पिताजी। क्या हो गया सर? हम लोग बाइक से जा रहे थे तो वही गाड़ी वाला सामने से आया, उन्होंने मार दिया। कहाँ की बात है जी? ये मारा की गई। आप कहाँ जा रहे थे? हम घर जा रहे थे सामान लेके। कहाँ के रहने वाले हो? इमली रोड पर। खाना कौन सा लगता? वो दिया था दबो। दमोह जिले की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी है। शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बरसों से स्कूल नहीं गए। ऐसी शिक्षकों की पोल तब खुल जाती है जब स्थानीय लोग, छात्र छात्राएं किसी मंत्री का काफिला रोक लेते हैं। केंद्रीय मंत्री का काफिला रुका तो मीडिया की सुर्खियों में ये स्कूल आ गया। बताया जाता कि एक शिक्षक ऐसे हैं जो लगभग एक साल से अपने स्कूल नहीं पहुँचे हैं। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का काफिला रोका गया। उन्हें अपनी पहले फसल दिखाई गई। बाद में बताया गया कि प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक लखनलाल कुर्मी यहां पर नहीं आते। पूर्व में भी पंचनामा दिया गया था, स्थानीय विधायक को अवगत कराया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। टीचर तो दो है साहब, करने के बाद जैसे तुम्हारे बजट में निपट गया वो वेतन मिल रही है। आज आज नहीं आया, आज 6 बजे यार हाजिरी, यार हाजिरी एक साल हो गया। तुम भी लखन पटेल, लखन पटेल आओ। कौन सा गाँव है? हाँ है, आओ 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 आओ। गौरतलब है कि उक्त शिक्षक के बड़े भाई बीआरसी कार्यालय में पदस्थ हैं, जिसके चलते शिक्षक पर अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और कार्यवाही का अभाव है। ऐसे में देखने लायक होगा केंद्रीय मंत्री के दिशा निर्देश पर शिक्षक पर कब तक कार्यवाही की गाज गिरती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोदिया थाने की जलपुर नागा चौकी अंतर्गत धर्मपुरा से एक मामला सामने आया, जहां 50 वर्षीय एक वृद्ध की मौत हो गई है। बताया जाता है कि ट्रेन की टक्कर लगने से मौत हुई है। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। वृद्ध का नाम शिव कुमार प्रजापति है, जिसकी मौत हुई है। परिजन काफी गमगीन है। जिला अस्पताल में शव को सुरक्षित रखवाया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं।
क्या नाम भैया इनका? राजकुमार प्रजापति है उनका नाम। क्या हो गया? ट्रेन में ढल गए। कहाँ रहते हैं? धर्मपुरा वार्ड नंबर 39 में। क्या कर रहे हो? अब ये तो अपन को जानकारी नहीं है क्या कर रहे थे, लेकिन अब अपन को तो सूचना मिली कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई, फिर हम लोग गए, तुरंत लेके आए यहाँ पर आया कि कहाँ के रहने वाले? धर्मपुरा। उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र होगी 50 साल की लगभग। क्या करते थे? कुछ नहीं है, ऐसी मजदूरी का वगैरह। आपका क्या नाम? हमारा जॉन टी ठाकुर। कौन है आपके? हमारा कोई नहीं है, मोहल्ला मतलब है अपने मोहल्ला पर। बहरहाल मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोह के बंडा किड्स स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बच्चों के द्वारा आकर्षक नृत्य किए गए, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनकी झांकियां भी बनाई गई। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण के रंग में रंगे नजर आए। ऐसा लगता था जैसे भगवान की लीलाओं के लिए बच्चे अपने आप को तैयार करके यहाँ पहुँचे हैं। बच्चों के द्वारा नटखट लीलाएँ की गई। डांस किए जिससे सबका मन मोह लिया और हमें तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात कृष्ण भगवान हमारे स्कूल में दर्शन दिए हैं। थैंक यू। संपूर्ण स्टाफ के साथ मैनेजमेंट सदस्यों की उपस्थिति भी देखी गई। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज। दबाव। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत 3 ट्रक पलट जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बटियागढ़ थाना क्षेत्र के गेवलारी की पुलिया की रेलिंग तोड़कर आलू से भरा ट्रक नीचे पलट गया, जिसमें चालक को मामूली चोटें आई। दूसरी घटना दमोह छतरपुर मार्ग पर बड़ी चौराहे पर लोहे के गाटर लेकर कानपुर से कर्नाटक जा रहा ट्रेलर कार बचाते समय अनियंत्रित होकर पलट गया। तीसरी घटना यहाँ पर घटित हुई है। एक साथ 3 घटनाएं हुई है। प्रतिदिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं 20 सड़क पर गाटर पड़े हुए हैं, तो वहीं पुल के नीचे आलू।
आप कौन है? चालक है? वाहन चालक है आप? क्या हो गई घटना? उसके ब्रेक नहीं लगे, मतलब ब्रेक वहाँ पर कूद के इस ट्रेन का पाइप फट गया, गाड़ी कटी नहीं है तो स्पीड नहीं से चली। चोटें कितने लोगों को? दो लोगों को। ज़्यादा तो नहीं है चोटें? कहाँ से कहाँ जा रहा है? आगरा से जा रहा है। कहा रहा हो तो रुक जा। क्या रखा है? क्या लदा है? आलू बार। कितने टाइम की घटना है? कितने टाइम की घटना है? रात में 2 बजे। जगी सच्ची। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आंध्रा, कानपुर से आंध्रा। ये कितने टाइम की घटना है? ये करीब 3:30 बजे। कैसे हो गई घटना? उधर गाड़ी आ रही थी, इधर तो मोटरसाइकिल चार पहिया गाड़ी आ गई, उसी में गाड़ी से करने में इसे हो गया। कितने लोगों को चोटें आई? कितने लोग? 1.5 लाख। मारुति कहाँ बची गए? नहीं तो कम से 5-6 आदमी खत्म हो गया अगर गाड़ी लग गए तो। ज्यादा चोटें तो नहीं है? कटियागढ़ से नू खान की रिपोर्ट। दमोह नगर के पुराना बाजार में शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन के नाम से फातह व आम लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। स्थानीय पुराना बाजार चिश्ती नगर में शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन अली मकाम के नाम से फातह व आम लंगर का अहतमाम किया गया, जिसमें शहर के तमाम अकीदतमंद लोग पहुंचे और फातह खानी में शिरकत की। तो वहीं आम लंगर में शहर के सभी मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसी न्यूज, दमोह। आप देरी भी हो जाएगी तो भी सबको मिलने पड़ेगा। बड़े होते होती के साथ मतलब होती है भरपूर दिया मेरे साथ मतलब जितने भी हमारे खाते जाएंगे मतलब होती जाएगी जाए देरी भी हो जाएगी तो भी मन मिलेगा सबको मिलने पड़ेगा। इस तरह बड़े होते होती के साथ मतलब होती है भरपूर दिया मेरे साथ मतलब जितने भी हमारे खाते जाएंगे मतलब होती जाएगी। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। होटल में नाबालिग से बलात्कार, पुलिस में मामला दर्ज, आरोपी फरार। रोजगार दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। स्कूल से घर पानी लेने जा रहे छात्र को ट्रक ने मारी टक्कर, स्थिति गंभीर। ट्रेन की टक्कर से वृद्ध की मौत। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं चार्जर। नमस्कार।